अच्छा और जोर से लगा पूरी ताकत तेरी कितनी है तो जकड़ लो उसको नालायक को। और जोर से और जोर से पूरी ताकत से और जोर से जकड़ लो उसको तेजी जकड़ो। बोल काट के भस्म करूँ क्या छोड़ दूँ? छोड़ना क्या भस्म कर देना। बोल नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना तुझे, काट देना तेरे दोनों हाथा, कर दूँ भस्म। हाँ बोल छोड़ोगे ना कुछ? छोड़ो, कहाँ से आया था, कहाँ मिली थी बच्ची? अब्रस्तान से आना सुना कैसा आया? दोनों हाथों में और तेज लगाओ, चल लगा पूरी ताकत तेरी कितनी है तो पूरी ताकत लगा क्या जोर से। और जोर से कितनी है पूरी ताकत? अंदर साइड में खोलते जाना उसको, जकड़ो उसको और तेजी से, बुलाओ जंजीरा मालो को, उसको जंजीरा डाल के बंद करा लो उसको, मार मार के उसको पूरा भस्म कर देंगे। दोनों हाथों में तेजी से आग लगा जबरदस्त उसको, नहीं नहीं ऊपर से जाओ बोले थे पूनम ने। क्या पूछा मैं जवाब? तो चार मेरे जवाब दे सवाल के तो छोड़ूंगा नहीं तो पूरा मार के भस्म कर दूंगा। जल्दी कहाँ ली जाओ बोलते? खबरस्तान शमशान कहाँ ली जा रहा था?
लाओ उसकी आधे मुंह मार उसके, हाँ जलाओ तेज से, पेट में से भी आग लगाओ उसके, बात मत करो पेशेंट को, आने लाओ कट करके ही, जलाओ उसके नाला के पेट में से भी आग लगाओ, छोड़ के नक्को छोड़ू के नक्को छोड़ू, जकड़ लो उसको और तेजी से आग लगाओ, काट उसके हाथों को, काटने की तैयारी करो, कौन है तू, मरे औरत आदमी है, कौन है आदमी है औरत है, कौन है, कितनी ताकत है तेरी, हाँ कैसा करना, तुझे छोड़ना नहीं छोड़ना, हाँ हिंदी नहीं आती क्या, हिंदी नहीं आती, कौन सी जबान आती तुम्हारे लोग, हिंदी है, हाँ कहाँ से आया था तुम्हारे उधर, क्या चलती कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ में कहाँ से आया पूछो, एलिंदा बंदे, जोर से बोलो, एलिंदा बंदे, एलिंदा बंदे, एलिंदा बंदे, हाँ एलिंदा बंदे, बंदे मसन गट्टी, लिंदा बंदे कब्रस्तान कहाँ से आया था, शमशान से कब्रस्तान से, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ हाँ बस करते रहे, राग भर गया वो सुन लिया मैंने, मैं तो अब मार के नहीं पूरा लिड़ान लगाऊ पूरे से नाला, बोल, हाँ कहाँ से आया था, शमशान से कब्रस्तान से, हाँ कौन भेजा था तुझे, औरत भेजी थी, आदमी भेजा था, बुलाओ मारने वालों, बुलाओ ऐसे उसको तेज एक साथ मारो उसको, सन से लगा उसके दोनों हाथ काट के ले लेंगे, दोनों हाथों काट के भस्म करेंगे, क्या शीशी में डाल के तुझे जमीन में गाड़ना, बोल आड़ू जमीन में, हाँ कौन, नाम मत बोल बोले, कसम डाले तुझे, हाँ कसमें डाले नाम मत बोल बोल के,
क्या रहते कोई याद नहीं कौन डाला उसके आंग में तो चल मुझे दूसरी चक्कर तक सब याद करके आके सुनाना। जब तक दूसरी चक्कर तक इसकी सारी तंत्र मंत्र की क्रिया को जकड़ लो और जकड़ के जला के सारी कमजोर कराओ और तेजी से भस्म कराओ जो भी वहां आ रहे जिधर से आ रहे उधर भेजो वापिस। और एन नाला खबीस के बच्चे सब याद करके आके सुनाना मुझे। कौन डाले थे बच्ची के आंग में, कहां से आया था, कहां मिली थी तुझे इन्हें, कब्रस्तान से आया, मसल माटे से आया, जादू टोना था या खुद ब खुद आया, क्या दास्तान है, सब मुझे दूसरी चक्कर तक याद करके आके सुनाना। अगर नहीं सुनेगा तो तेरे दोनों हाथ काट के भस्म कर दूंगा। चलो उसको जब तक बन के डाल दो उसको आज रात 12 बजे के बाद से उसके ऊपर तेज से जंजीर डाल दो। आज रात 12 बजे के बाद से उसको बन के डालो तेज के साथ। कैमरा उधर दिया, मैं कभी भी कुछ बोलने लगा ना तो कैमरा इधर से लेके आते जाना। खैर ये जो दास्तान है कहीं का लगे वाला खुद ब खुदाए वाला शैतान नहीं है ये कसम डाल के छोड़े अल्लाह है, नामा नहीं बताना बोल गया वो तो। इसके तो आपको भी नाम बोलना पड़ेगा आगे, कौन डाले थे क्या डाले थे अगर तुम पूछना चाहे तो। और नाम जिसके भी निकलेंगे मेरा कुछ नहीं रहेगा, तुम पूछेंगे तुम जानो, जिसके नाम निकले उन्हें जानो, मेरा क्या है इसमें। शैतान बोलेगा वो अभी नहीं, तीसरी चक्कर में पूछेंगे वो। और दूसरी बात कि ये क्या है, कहाँ से आया था, किसने खिलाया था, वो तो सब आगे पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो भी दास्तान है, ये जो भी शेर है इसके अंदर बैठे अली बच्ची के, तो ये ऐसे किस्म की है कि जादू टोने से लाके वादे कसम वादे दाए कर उसे नाम नहीं बताना ऐसा बोलकर छोड़ दे। मगर उसको ये नहीं मालूम कि किसके पास आके फंस गया और ना लाया उसको, क्या उसके बाप को जादूगर को भी यहाँ के नाम बयान करना पड़ेगा कौन डाले थे क्या डाले थे आगे। दूसरे हजरत का नहीं बताते, एक शारू बताई, एक सलमान बताई, वो कौन है, बंद डालेंगे शैतान को।
और बन के मार मार के कमजोर कर करके भस्म कर डालेंगे उसको पूरा, समझ गए। और दूसरी बात, क्या क्या तकलीफ हो रही थी घर पे? घर पे इशारे से बात करने का, गलत जगह जाने का, बाथरूम में टॉयलेट में चिड़चिड़पन करने का, आवाज आ रही करने का, खिड़की में सुन रही करने का। रात को बिल्कुल नहीं सोती हूँ, रात को तो बिल्कुल आँख ही नहीं। देख रहे, अभी अगर सही से नाम बोला तो तुझे छोड़ दूंगा, अगर नहीं बोला तो आज रात 12 बजे के पास जंजीरा वाले बंदे ने आ ले, फिर बाद में नहीं छोड़ने लगाऊंगा मैं, बाद में पूरा मार के भस्म कर तक नहीं छोड़ते। फिर तेरे को तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके बाटल में डाल के तेरे को जमीन में गाड़ देते, नाला लोगों को ऐसा परेशान करता, खयामत तक जमीन के अंदर ही बैठना। फिर बोल क्या करने का, छोड़ने का क्या बन के डाल देने का? छोड़ने का हूंगा तो अभी सही से बता सब, नहीं तो फिर बन के डालने का हुक्म दे देता हूं मैं। इतर लगा उसके नाक में, खानों पे पेट में दम करा के लेके आगे लो, इधर दम करके लो उसके ऊपर इतर पे, इधर इधर यहाँ लगाओ। चलो जब तक इधर से दूसरा नंबर चालू करो। शबाश शबाश और जोर से बहुत राग भर भी सुना दिया तूने, अब शबाश सुना वहाँ सुना। हाँ शबाश। क्यों ले रहा हजरत का नाम? जोर से ले और जोर से ले। शबाश। बहुत राग भरिया सुनाया तूने बैठ बैठ के हमारे, जब से सबको बोर कर दिया गाने सुना सुना के। हाँ अब लिया हजरत का नाम, जोर से सुना और। बच्ची को क्यों सता रहा था फिर? अब मैं पकड़ के डाल रहा हूँ, बन के डाल रहा हूँ और मार रहा हूँ, तो हजरत का नाम याद आ रहा तुझे? हाँ जब से उनके घरों में जाके सुन दे रहा था, मार रहा था, परेशान कर रहा था, जैसा मैं बन के डाल रहा हूँ तो देखो किसको आवाज लगा रहा हूँ। इंसानों की मत मारे गए वाली है, इंसानों को मार पड़ी तो इंसान क्या करते, किसके पास जाना इंसानों को पता नहीं। देखो शैतान को मार पड़ रही, तुमको सब मालूम है किसको आवाज लगाना, कौन उनकी आवाज सुनता, कौन बचाता। और इंसान तो फिरकों में बट गए, हम ये मानते नहीं शिर्क बिद्दत फतवे क्या 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 क्या। शिर्क किसको बोलते? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क बोलते। अल्लाह ने जो चुनिंदा बंदे उसके रखे आगे है फैज पहुंचाने के वास्ते खयामत तक, उनके पास जाने को शिर्क नहीं बोलते। जादूगर के पास जाना शिर्क है, अल्लाह के कलाम से अपने आटा के जादू पे लगाना। शैतान को देखे पहले बहुत रागा मार रहा, बाद में जैसे जंजीर अल्लाह के बन के मार रहे, तो किसको आवाज लगा रहा हूँ सुनो, उसको मालूम है कहाँ से मदद मिलेंगी उसको। तुझे मरना है, जोर से बोल, मरना है, कब मारने का है? कब मौत आई तो जब मरना है मेरे को, हाथों से मेरी मौत होना है मेरे को। अच्छा तो तू सुसाइड करके मारने वाला है? दरवाजा खोल बुलाओ तुम्हारे लोगों के अंदर। कब मारने वाला है? मास में पुन्नम में कब है कि वो मालूम? मौका देख के मार देने वाला है? हाँ क्या करने वाला? एक्सीडेंट करने वाला? कैसा
सुसाइड करने वाला है। हाँ, सुसाइड करा के कितने साल से? 10 साल से। हाँ, 10 साल से। अभी तक कितने लोगों को मारा उनके घर से? इसको भी नहीं मारा, मैं मरने वाला हूँ। अभी खाली इसको लेके मारने वाला है। अच्छा, ये बच्चे ने क्या अभी गाड़ी करा? तुझे ला के डाले थे, खुद ब खुद आया था तू? खुद ब खुद आएगा। कितने साल से? 10-12 साल से। अच्छा, मार के साथ मिल जाने वाला है? हाँ। शमशान कब्रस्तान? कब्रस्तान। जिन्नाते मरा वाला इंसान है? जिन्नाते। ठीक है, और इसके बाद किसको मारने वाला? बच्ची के बाद में किसको मारने वाला? मरद को, बेटो को, किसको? वो तो नहीं मालूम, मेरे को तो मरना है। खाली इसको ले जाने का इतना बोला थे? उसके बाद तू सोचेगा फिर किसको ले जाने का है? तो लगा लगा पूरी ताकत लगा तेरी यहाँ लगा लगा पूरी ताकत लगा पूरी ताकत लगा पूरी ताकत लगा कमजोर कर रहा था, बीमारी डाल मार रहा था, पैसा मारने वाला है। उसको बंदिश के अमल में लेके सब खत्म करेंगे। झगड़ कर रखो कुत्ते, झगड़ लो। इससे पहले कहीं हाजिर हुआ क्या? मारने वाला कोरोना टाइम करीब आ गया, लेके चले जाओ बोले रात में था मच्छी के बाद जगह बता रहे लोग। मैं जो है ना आपके वीडियो देखता हूँ लगातार यूट्यूब में। देखो वो कहीं का लगे वाला शैतान नहीं है, लगे वाला जिन्नात नहीं है। लगे वाला फोटो एक मिनट में निकाल देते थे जादू को। फोन कराए क्या कराओ? तीसरे चक्कर मगर तीसरे चक्कर को निकाल के चला था। ऐसा अमल करना क्या है? ठीक है, क्या अच्छा करता तुम्हें? हाँ बता रहा मुझे। आज रात 12 बजे के बाद साथ में खत्म कर देंगे पूरा। एक तो बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देंगे, नहीं तो उसको क्या बोलते तो फाइट करके ले लेंगे। बाटल में डाल के ले लेंगे, उसको बंदिश के अमल में आज रात 12 बजे के पास उसको जंजीर डाल के तेज साथ में बंद के डालो उसको। Yeah, what's it?
कहाँ से आए थे? मियापुर। जोर से बोल। इमरान। कहाँ रहता वो? आजाद नगर। अच्छा, क्या दुश्मनी थी? तू मुझे करी नहीं कर को। अच्छा, और क्या कब मार देने वाले थे बच्ची को? मास में पुन्नम में। बोल। बहुत जल्द। अच्छा, इसका जादू चलाते वक्त क्या लिख गए थे बच्ची का? पंखे की स्पीड कम करो। हाँ, जादू चलाते वक्त बच्ची का क्या लेके गए थे? बोल। शाबाश। बोल। हाँ बोल बोल। कपड़ा बाल वाल क्या लिए थे? वो गंदी चीज़। अच्छा, कौन लिख गया था? औरत थी आदमी था? तुम्हारे सामने अभी नाम नहीं बताते, तुम थोड़ी देर बाहर ठहरो। तुम नाम सुनेंगे, जिसका भी नाम निकलेगा उसको जाके लड़ेंगे। हाँ, लड़का। लड़के ने लिखा था? क्या लेख रखा था? क्या लिया था? गंदी चीज। वो कपड़ा लिखा था लाल कपड़ा। लाल कपड़ा। अच्छा, कितना टाइम होगा ली जाके? एक साल, दो साल, कितने साल? छह महीने, दस, कितना वक्त हुआ? बोल। और क्यों लेकर गया था उन्होंने? क्यों लिया था? हाँ बोल। करी नहीं कर को। अच्छा, और उसके जादू कहाँ से लाया था? मुसलमान के पास से, हिंदू के पास से? जादू कहाँ से लाया था? मुसलमान के पास। अच्छा, कितने पैसे दिया था उसको जादूगर को? हाँ बोल। शाबाश। कितने दिया था? हाँ, कितने पैसे दिया था? कितने पैसे दिया था? शाबाश। बोल। 200। सही सही बोल, झूठ मत बोल। 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कितने दिया था? हाँ, लाख। सही बोल। बोल शाबाश। बोल। हाँ बोल। और जादूगर ने उसका कपड़ा ले जाके कहाँ डाला था बच्ची का? शमशान में, कब्रिस्तान में पढ़ाई करके कहाँ डाला था कपड़ा वो? मशान में। हाँ, मशान में। अच्छा, तुझे कहाँ से लाए थे? शमशान से, घर के पीछे। हाँ, और ये बच्ची के खाला की को बीमारी पे कौन डाला था वो मालूम तुझे? अब्बा। वो बच्ची की जो खाला है, क्या नाम है उसका? फातिमा। हाँ, फातिमा को। शाबाश। फातिमा को कौन डाले बीमारी पे? हाँ बोल। लड़का। वो लड़का कौन? घर के पीछे वाला। क्या तो भी नाम है उसका? सलमान। क्या दुश्मनी थी फातिमा की उसकी? मंजे की आवाज सुनता था बारे बार। अच्छा, वो हमारे घर को आती थी ना। अच्छा, तो उस वास्ते चिड़ के कर दिया। और क्या पूछाने का? कितने साल फातिमा को करके? कितने साल हो रहे फातिमा को करके? कितने साल हो रहे? हाँ बोल। शाबाश। बोल। बोल। हाँ, फातिमा पर जादू चला कर कितने साल हो गए? अच्छा, फातिमा को कब मारने आले अम्मास में, कुन्नम में? कब कब मारने आले फातिमा को? रुका जी। अच्छा, बचे आगे मौका देख के मार देने वाले हैं। ओ अच्छा, और उसके बाद कैसा मामला? बीमारी के डाल के एक्सीडेंट करके बीमारी से। अच्छा, और ये इसको इसको कैसा मारने वाले? नाम क्या इसका? नजमा को कैसा मारने वाले? कराको। ये जादू टोने से सुसाइड करने वाले हैं या फिर नजमा को कुछ सुसाइड करा के मारने वाले? एक्सीडेंट करा के बीमारी पे डाल को कैसा मारने वाले? करनी कौटाल से एक्सीडेंट करा को क्या? सुसाइड क्या? अच्छा, करनी कौटाल से झुरा झुरा के मार देने वाले बीमारी? अच्छा, और नजमा के घर में से खैर बरकत कौन उड़ा दिए? सलमान जादू टोने करके। अच्छा, उसके घर में किरकिरियां झपड़े कौन लगा रहे? उसकी माँ और बहन। किसकी? मम्मी भी उसकी भांजी। किसकी? सलमान की। अच्छा, ऐसा अच्छा नहीं है ना, ऐसा किसी का भी घर जलाना करना। अरे, बच्ची को तुझे मार दे बोले? इसका रिश्ता नहीं होने देना, कुछ नहीं, शादी नहीं। तो बच्ची को क्या बीमारी लगा रहा था अंदर बैठ के? दीवानी होना, उन्हें मेरे पीछे भागना। दीवानी। अच्छा, हो को।
अच्छा नेहा को मंजर शादी होना किसे होना नहीं। अच्छा ऐसा कर को डाले थे। दवा किस चीज में मिला को खिलाए थे? कुछ कहे में नापाक चीज। अच्छा अच्छा कब खिलाए थे? किसके यहाँ बुला के खिलाए थे? बच्ची के घर को भेज के खिलाए थे? आंटी के। कौन नानी सी घर को? कौन सी नानी? हमारी हमारे बच्ची हमारी की नानी, नानी वो जादूगर की नानी, जादू करने वाली की नानी के बच्चे की बच्ची की नानी जादूगर की जादू जो कर रहा है उसकी नानी की यहाँ बुला के। कहा है थी उसकी नानी? मेरी नानी। तू कौन है? तेरा नाम बोल। हाँ बोल तेरा नाम बोल। शाबू। अच्छा तेरे नानी के यहाँ बुला खिलाए थे बच्ची को? मेरी नानी। शाबू कौन होता है बच्ची का रिश्ते में दोस्त आने में? कहीं में उसकी बड़ी अम्मी का बेटा। किसकी बड़ी अम्मी का बेटा है ये शाबू? सलमान की। अच्छा सलमान कहाँ रहता है? घर के पीछे। किसके घर के पीछे रहता हो? हमारे। कौन हम? नजमा के फातिमा के किसके घर के पीछे रहता हो? मेरे घर के पीछे भी और नानी घर के पीछे भी और एक ये है ना नानी घर वहाँ भी। अच्छा और दवा कहाँ बैठी अली? दिमाग में चढ़ के बैठी कलेजे पे चढ़ के बैठी बच्ची के पेट में डाले नजमा के तो कहाँ है दवा बैठे वाली? हाँ पेट में है कलेजे पे है क्या दिमाग में है? हाँ बोल। हाँ बोल। हाँ बोल। पेट में पेट में। अच्छा और नजमा के घर में से और किस किस को खिलाए थे? मंजे। किस कितने लोगों को? नजमा को मंजे हमारे अम्मी को हमारे अब्बा को हमारे भैया हमारे अम्मी को मंजे हमारे अब्बा को हमारे आंटी को हमारे मामा को हमारे नानी को हमारे हमारे नाना को। नामा बोल सबके नामा किस किस को खिलाए उनके नाम बोल मुझे नहीं। हाँ बोल। हमारे आंटी को। नाम बोल उनके। नजमा। हाँ नजमा बानू। हाँ उसको खिलाए। हाँ और बीबी फातिमा। हाँ और रेशमा बानू। हाँ और महमूद अभी। हाँ और गौस। हाँ और सबको सैयद गौस। सबको एक एक से मार देने वाले थे क्या? क्या पूछाने का? और अंदर बाहर अंदर बाहर क्या कर रहे? एक जगह बैठो ना। घर के पीछे कौन भी नहीं हमारे दुश्मन आई ने क्या है घर के पीछे काले घर के पीछे घर के पीछे है मी। हाँ शब्बाज बोल रहे कौन है वो? घर के पीछे है। कितने दूर है इनके घर से? कितने दूर है इनके घर से? पीछे झूठ बोल रही तो झूठ गैस शैतान है बात मत करो नल्डी मतिंगा पलट के वो मैं खड़ा तो ना गैस का नहीं उन्हें मरे वाला है जिंदा है? है जिंदा है। अच्छा मरा सही बोल उन्हें मरा के जिंदा है वो जो बैठा मरा, मरा, मरा। कितना टाइम मरा उसको मर के? कैसा मरा था उन्हें? अभी मरा उन्हें। कब मरा? अभी। कब? अब। कितना टाइम हो रहा? क्या साथ? 5 बजे। आज 5 बजे मर गया उन्हें? मरेगा। मरेगा शाम में 5 बजे मरने वाला है? मरता। कैसा मरने वाला? एक्सीडेंट करके मारने वाले उसका या डायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा कौन मार रहे उसको ऐसा? मैं। तू जाके मार देने वाला है चिड़के तुझे इस कैंप में क्यों ला के डाले उनके वो लोगों ने अंतिम में हमार पड़ी बोल के तू जाके उससे बदला ले लेने वाला है। वाह अरे वाह जिसने डाला उस पर जाके तू पलट के उस पर हमला करके मार दे रहा उसको तुझे यहाँ मार पड़ी बोल के वो सुधर गया तू अब है ना? आदि का बिगड़ा कफन में सुधरा इतने जल्दी सुधरेगा बोल। और क्या पूछना है? ये
आंटी को भी इसी एक पैसा मालूम नहीं मुझे आंटी को नाम अलग अलग लिया हमने फातिमा को कौन करे थे उसका नाम बोल शाइनन फातिमा के जादू कौन करे थे बोल सलमान कौन है ये लोग उसके घर के पीछे वाले फातिमा की उनकी क्या दुश्मनी थी मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में बोली थी उसे अच्छा अल्लाह दूसरे राउंड में सही तरीके से खुलासा लेंगे अभी जो है तो अभी सरसरी मुतालत वहां को बता दिया मैंने फिर इंशाल्लाह दूसरे राउंड में एकदम अच्छे से तफसील से पूरा क्लियर कर बताएंगे जब तक तुम सुन सुन के आना किसके नाम आने के लिए क्या निकले क्या गए सारी दास्तान सलमान अब मेरे को तो नहीं मालूम मैं तो तुम्हारे गली को आया तुम्हारे मोहल्ले को आया नहीं जो शैतान बोल रहा हूँ सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ दूसरे चक्कर में पूरे क्लियर तरीके से पूछेंगे अब मैं तुम्हारे मोहल्ले की तुम्हारे घर घर की दास्तान के आगे सुनते बैठू क्या जो भी है उन्हें बोला उसकी जबान चलो बन के डाल दो जिसे बाकी एकदम सही तरीके से और क्लियर तरीके से दूसरे राउंड में उसको अच्छे से मार के पूरा सब कुछ किया सलमान शाबू करेंगे हाँ बोल सलमान शाबू कौन है सलमान शाबू हमारे घर के पीछे वाले उन्हें दो जने भी बैठ को दो जने भी बैठ को है ना मेरे बात सुनते थे और लड़ाई करते थे मेरे बारे में मैं तुझे देखूंगा अच्छा अच्छा ठीक है चलो खैर बन के डाल दो क्या दास्तान है इसके दूसरे चक्कर तक नालायक मुझे सबके नाम क्लियर कट और सारे दास्तान सब क्लियर कट याद करके आके सुनाना बन के डाल दो उसको जब तक चलो कहाँ दानगेरे से हुबली के आगे अच्छा कितने किलोमीटर यहाँ से बहुत दूर से आया है तीन दिन लगा देखो हम पानी रात सारी नींद नहीं बची घर में किरकिरे हो रहे क्या तुम्हारे नहीं हमारे घर वाले के साथ जरा किरकिरे नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा सुने नहीं कि गौसे पाक के हमें इतने हमें दीवाने गौसे पाक की नाक कभी घर में मौजूद रहती और है ना नमाज कुरान वाले हमें बच्ची को बाहर की धूप दिखाती नहीं मैं शैतान क्या बोल रहा सुने तुम्हारे घर में किरकिरे लगाए वो छोकरे के माँ बहन ने और छोकरे ने बच्ची की तरफ लगाया क्या क्या चीज ले गया अगर इस चीज ने बोला उसमें मैं क्या बोलूं मेरी जबानी तुम्हें कुछ क्या, बोलता क्या नहीं क्या? और शैतान की जबानी में पूछा है बगैर छोड़ता नहीं कपड़े ले गया कपड़े और क्या उन्हें बोला ना जी उन्होंने क्या बोला उसमें है ना बाद में देखो उनको मालूम था और वो सब ले जाके बच्ची को ऐसा करके डाला उन्हें उसको बच्ची को करने का था करते रिश्ता तुमने नहीं दी उसके तरफ पूछे भी नहीं कौन भी सब है रिकॉर्डिंग में देखो तुम्हारा मालूम था तुम बाहर थे जब सवाल जवाब चल रहे थे तुम बाद में अंदर आया थे सवाल जवाब होने के बाद की कमी थी ना वो जो तुम जो भी है बाहर घूम रहे थे तुम मस्त और जब आधे आधे सवाल जवाब होने के बाद तुम अंदर आए हाँ बोल क्या चीज इस पर भी चड्डी और डॉक्टर साहब छड़ी हो तुम्हारी अंदर 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 दीवार को भी देखो पूछा दिया अब दूसरे राउंड में पूछूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे से बातें जो खुल रहे वो तुम आपको ऑनलाइन बताने की नहीं रहती क्योंकि लोगों की प्राइवेसी रहती है वो भी उतने प्रकार बातें तुम्हारे सामने ना इसलिए कैमरा रोक दे रहे आगे की जो दास्तान लिखी वो बाकी नामा वामा जितने मुद्दे के पूछा है वो आगे और पूछा देंगे बाकी अब जो बातें उन्हें बोल रहा अब बहुत ही उसके वो बोल रहा पर्सनल पर्सनल बातें मैं दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकता।